Good morning, students. In previous classes, I had taught you the chapter, the left friends, from class 8. In my fourth series, I am going to teach you the remaining parts of this chapter. पहले क्लास में हम लोग पढ़े कि केशव और श्यामा सोने का नाटक करते हुए अपने माँ के आंखों से बचते हुए वे बाहर निकले और उस पक्षी जो कॉर्निस में घोंसला बनाई हुई थी उसके पास दोनों बच्चे चले जाते हैं। ऊंची दीवार थी इसलिए केशव ने पहले एक टूल लगाया, जब उससे भी वह चढ़ नहीं पाया देखने के लिए तो बाथरूम से एक स्टूल लाया और वहाँ मैं दोनों का सहारे फिर वह ऊपर चढ़ा और झांक रहा था। आगे देखिए, श्यामा हेल्ड द स्टूल विद बोथ हैंड्स, श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ी हुई थी। इट अनवेन लेग्स मेड इट रेदर वोबली एंड इट टिप्स स्लाइटली विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज। ओनली केशव न्यू व्हाट फियर व्हाट ड्रेड असेल्ड हिम एट दैट मोमेंट, और केशव अपने आप में महसूस कर रहा था कि कितना कष्ट के साथ वह उस घोंसले को निहार देख रहा था, वहां तक हाथ को पहुंच रहा था। ही वुड ग्रैब द कॉर्निस टू स्टडी हिमसेल्फ एंड स्कोल श्यामा अंडर द ब्रेथ, होल्ड फास्ट और आई सेल कम डाउन एंड बीट यू नाइसली, और उसने श्यामा से कहा कि बढ़िया से पकड़ना, यदि मैं वहां ऊपर से गिर गया तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। बट पुअर श्यामा अटेंशन वॉज टेकन अप बाय द कॉर्निस टाइम एंड अगेन हर माइंड वियर इन द डायरेक्शन एंड हर ग्रिप ऑन द स्टूल स्लैकेंड, कभी कभी उसके हाथ उस स्टूल से छूट जाती थी फिर भी वो उसको पकड़े हुई थी, क्योंकि भैया का आदेश था कि अगर मान लो वो गिर जाए तो उसकी पिटाई होगी। द मोमेंट केशव्स हैंड रीच द कॉर्निस द बर्ड्स फ्ली अवे, केशव साव सम ट्विग्स स्कैटर ऑन द कॉर्निस एंड थ्री एग्स लाइंग ऑन देम। अब केशव का हाथ उस कॉर्निस तक पहुंचता है, वहाँ पक्षी नहीं थी और केशव ने पाया कि वहाँ कुछ ट्विग्स मैंने तिनका जो है बिखरा पड़ा हुआ था और उसका हाथ जो है तीन अंडों से संपर्क में पड़ा। देयर वाज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन, और श्यामा आस्क्ड कैन यू सी एनी चिक्स भैया, और श्यामा ने केशव से पूछी कि क्या भैया वहाँ और बच्चे हैं क्या। देयर आर थ्री एग्स द चिक्स हैवेंट कम आउट येट, सो मी भैया हाउ बिग आर दे, केशव ने जवाब दिया कि वहाँ कोई बच्चा नहीं है, मात्र तीन अंडे हैं। तो श्यामा ने फिर सवाल पूछी कि बताइए भैया वो अंडे दिखने में कैसे हैं, कितने बड़े हैं। आई विल बट फर्स्ट ब्रिंग सम रैक्स टू ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ, और उसने कहा कि उस अंडे के लिए बढ़िया सुरक्षित रखने के लिए दूसरे पुआल या तिनका की जरूरत पड़ेगी और उसको लाना होगा। श्यामा रन आउट एंड रिटर्न विद ए पीस ऑफ क्लॉथ टॉर्न एंड फ्रॉम एंड ऑल सारी केशव लिम्ब टू टेक इट फ्रॉम हर, फोल्डेड इट ए नंबर ऑफ टाइम्स टू मेक ए इनटू ए कसन एंड प्लेस्ड इट अंडर द एग्स, और श्यामा गई एक फटा कपड़ा लेके आई, ठीक है, और दोनों भाई बहन ने उस अंडे को सजाने की सजा कर रखने के लिए उसके नीचे में रख दिया ताकि अंडे सुरक्षित रहे। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड, श्यामा ने कहा कि भैया मुझे भी इसको देखने की इच्छा है, मुझे भी दिखाइए। यस यस आई विल शो देम टू यू बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक ए रूफ, रिप्लाइड केशव। केशव ने कहा ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन इसके पहले वो टोकरी को लाना होगा ताकि उसके लिए छत बन जाए। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड नाउ यू कम डाउन इट इज माई टर्न, और श्यामा
दौड़ती के गई और उस टोकरी को लेकर आई। ठीक है, बस बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो है शेष भाग है उसे मैं कंप्लीट करूंगा। थैंक यू वेरी मच।